बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से वो बात को समझ रहे हैं कि उनकी हार निश्चित है। लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर तेजस्वी यादव ने मंगलवार को चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले बड़ा बयान देते हुए कहा कि एनडीए के लोग हताश और निराश हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के नेताओं ने एक अकेले के लिए सारे लोगों को लगा रखा है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का एक चेहरा तक नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से वो बात को समझ रहे हैं कि उनकी हार निश्चित है। तेजस्वी ने कड़ा तेवर अपनाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग बिहार में दूसरे की बैसाखी पर चल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और उनके सहयोगियों को देखकर साफ लग रहा है कि इस बार उनकी हार सुनिश्चित है। जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या वो सरकार बनाने में इस बार लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान की मदद लेंगे, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी उनकी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टनर है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से वो बात को समझ रहे हैं कि उनकी हार निश्चित है।